सर आप बताइए आज कोर्ट में क्या हुआ, आप धाराओं के बारे में बताइए जो आपने आज किया। देखिए जो हमारा कंप्लेंट है वो ऑन मेरिट्स है, क्योंकि कंगना और रंगोली को बुलाया गया था जावेद अख्तर साहब के घर पे, और जावेद अख्तर साहब का कोई लेना देना नहीं था उनके मैटर में, फिर भी उन्होंने बुलाया घर में, बुला के उनको धमकाया ये कहना है कंगना का। और ये बात खाली कहना आज नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से मीडिया में भी कंगना ने कई दफ़ा बोला है कि उनको धमकाया था और वो काफ़ी घबरा गई थी और उनकी मोडेस्टी को भी एक हिसाब से आउटरेज किया गया था। तो कंगना ने अपना कंप्लेंट जो था वो दाखिल नहीं किया था ये सोचते हुए कि इनकी उम्र है, मगर क्योंकि अभी ये बहुत अग्रेसिवली अपने मैटर में आगे बढ़ रहे हैं तो कंगना को भी परमिशन मिला अपने फैमिली से कि यू शुड ऑल्सो फाइल योर कंप्लेंट, तो उस वजह से हमने सेक्शंस इन्वोक करते हुए अपना कंप्लेंट दाखिल किया है। आज कोर्ट में भी आपने कहा कि आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें की। देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो कंप्लेंट है ये एक डेफेमेशन का कंप्लेंट है, इसको लेजिस्लेचर ने जैसे बनाया है उसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल, मतलब छोटा मैटर, बेलेबल और कंपाउंडेबल एंड प्राइवेट कंप्लेंट। ये चार चीज़ होने के बावजूद मैजिस्ट्रेट साहब घड़ी घड़ी दो दफ़ा उन्होंने धमकाया कि अरेस्ट वारंट इशू करेंगे, अरेस्ट वारंट इशू करेंगे, जबकि मेरा एप्लीकेशन है ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड जहाँ पे मैंने बोला हूँ कि आप आगे बढ़ सकते हैं केस में, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर भी मैजिस्ट्रेट साहब ने बगैर कोई ऑर्डर पास किए हुए कि कंगना की किस वजह से ज़रूरत है, क्यों कंगना को आना है, कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, फिर भी उन्होंने किया, ये जानते हुए कि पूरा मीडिया कोर्ट में प्रेजेंट है और इससे उनको उनके रेपुटेशन को यू नो हार्म पहुँचता है, इंजरी पहुँचता है और मीडिया हेडलाइंस हो भी गया क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ने दो दफ़ा ये जो बोला इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी उनको बोलने की, अगर वो कुछ करना चाहते थे तो प्रोसेस फॉलो करते आप तो वो कर सकते थे, मगर उन्होंने क्योंकि किया तो कंगना ने, कंगना का फेथ बिल्कुल उठ चुका है जज साहब के ऊपर, और कंगना ने अपना जो काउंटर केस भी जो है, जो काउंटर केस नहीं बोलूँगा, केस ऑन मेरिट्स बोलूँगा, उन्होंने चाहा कि दोनों केस को एक ही दफ़ा जो नए जज को, जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो नए जज को बताएंगे कि कौन से जज के पास मैटर जाना है वहीं पर दोनों केस चलेगा। अभी ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन में आपने सिर्फ जज के अलावा बाकी पूरी प्रक्रिया को लेकर उनके जो जावेद अख्तर साहब की तरफ से जो दलीलें दी जा रही थी उसको भी आपने काउंटर किया, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ट्रांसफर एप्लीकेशन में वो सब नहीं होता, ट्रांसफर एप्लीकेशन में खाली ग्राउंड्स दिए जाते हैं कि मैं क्यों इस जज के सामने नहीं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो वो ग्राउंड्स मैंने दे दिए जज साहब के सामने, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने। फर्स्ट को उसका हियरिंग है, अब जाहिर सी बात है 15 नवंबर का डेट ये मजिस्ट्रेट साहब ने इसीलिए दिया क्योंकि उनको भी पता है कि अभी वो मैटर में 2-3 हियरिंग चलेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इस जज के सामने नहीं आगे बढ़ना चाहते।